हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड गेमर्स इन्फो में। और आज हम हमारे वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे टू फिंगर AWM चला सकते हो विद टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो का मजा लीजिए और एंड तक देखना, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखिए हमारा वीडियो एंड तक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारे पहले टिप्स में जो यूज लॉरा कैरेक्टर, मतलब कि आपको लॉरा कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो अब ये लॉरा कैरेक्टर का क्या एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी की हम बताएंगे। तो उसका एबिलिटी क्या है कि आपका कैरेक्टर अगर मैक्स है तो आपका जो है जो एक्यूरेसी वो 30% आपका इंक्रीज हो जाएगा और एनिमी के ऊपर हर वक्त बने रहेगा। तो अब दिखा देंगे आप कैसे स्किल स्लॉट में आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हम जाएंगे थोड़ा सा दूसरे जो है दूसरे कैरेक्टर चूज करेंगे और जो स्किल स्लॉट है उस स्किल स्लॉट में हम ऐड करेंगे ये लॉरा का एबिलिटी। और बाकी दो जो स्लॉट है आप कोई भी यूज कर सकते हो। और इन गेम प्ले में भी हम दिखाएंगे कि कैसे आपका जो है ये लॉरा कैरेक्टर कैसे काम करता है, कैसे एकदम एक्यूरेसी एनिमी के ऊपर स्कोप करने के बाद एकदम बने रहता है, जो एकदम बहुत सारा हम दिखाएंगे। तो चलिए इन गेम प्ले में दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हमारे सामने जो एनिमी है वो एनिमी के सामने हम जो स्कोप करे हैं, तो स्कोप करने के बाद देखिए जो है डैमेज, ये डैमेज थोड़ा सा बाहर लग रहा है लेकिन हमारे पास जो है लॉरा कैरेक्टर इसलिए उसका डैमेज बॉडी में लग रहा है। और ये जो है AWM ये फुल कंट्रोल के वजह से जो है ये फुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, एकदम डिफॉल्ट की तरह एकदम जाके बॉडी में लग रहा है। और ये छोटा सा हो या फिर पक्का हेडशॉट हो कोई भी डैमेज एकदम जाके लगेगा और किल कंफर्म हो। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में जो है सेट योर एम पोजीशन, मतलब कि आपका एम पोजीशन आप किधर सेट करोगे। तो आपका एम पोजीशन जिधर है जो रेड डॉट है AWM के इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे जो है पेट का जो है जो हमारा आइकन है वो आइकन हम एम पोजीशन पे रखेंगे। और आपका जो एम पोजीशन है आप किधर रखोगे, जो एकदम एनिमी के पास रखोगे, क्योंकि अगर पास रखोगे तो क्या होगा, तो आप जल्दी से जल्दी एनिमी को डाउन कर सकते हो। अगर दूर में रखोगे तो क्या होगा कि आप एनिमी जो है एनिमी आपको डाउन कर सकता है या फिर किल आपको आप भी किल हो जा सकते हो। तो अगर आप पास रखोगे तो बहुत सारा फायदा होने वाला है, बहुत जल्दी आप एनिमी को डाउन कर सकते हो। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स में जो है यूज क्विक वेपन स्विच। तो आपको क्विक वेपन स्विच यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले दिखा देते हैं कि कैसे आप क्विक वेपन स्विच ऑन करोगे। तो जाते हैं हम सेटिंग्स में और जाके क्विक वेपन स्विच ऑन कर देते हैं और इसका जो फायदा है हम बताएंगे कि क्विक वेपन स्विच तो आप कैसे यूज करोगे और इसका फायदा क्या क्या है हम बताएंगे। तो क्विक वेपन स्विच आप यूज करोगे कि आप मूवमेंट जब करोगे उसके साथ आप यूज करोगे, कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपका कैरेक्टर स्लो हो जाता है तो रिलोड पड़ जाता है और आपका एनिमी आपको डाउन कर देता है। तो इन गेम प्ले में हम दिखा रहे हैं कि देखो कि अगर आप जो क्विक वेपन स्विच मूवमेंट करते करते यूज कर रहे हो तो आपका रिलोड कम पड़ेगा और हमारे पास जो लॉरा का एबिलिटी है कंटिन्यू फायर करने के वजह से वो ऑटोमेटिकली स्कोप करने के बाद आपका जो एम पकड़ लेगा और एकदम एक्यूरेसी के साथ एकदम जाके आपको। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखो तो एक बहुत ही यूनिक ट्रिक्स है। तो अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स में जो इंक्रीज मूवमेंट स्पीड विद AWM, मतलब कि आपको बैक में कवर लेना होगा फिर आपको क्या करना होगा, फायर करना होगा। तो आप अगर आपके सामने जो एनिमी आ गया है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ग्लू वॉल यूज कर सकते हो, लेकिन ग्लू वॉल से भी अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप अगर कोई परमानेंट कोई एक आप जो शील्ड या फिर कोई गार्ड यूज करो तो सबसे बेटर होगा। तो परमानेंट गार्ड कैसा होता है कि एक पेड़ भी हो सकता है, एक पत्थर भी हो सकता है, किसी घर का दीवार भी हो सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो है परमानेंट शील्ड है ये तो टूटेगा भी नहीं, तो ये टूटेगा भी नहीं और बहुत देर तक आप गार्ड ले सकते हो और एनिमी को डाउन कर सकते हो, फायर और गार्ड ऐसे करके। तो हमने पहले बताया था कि हम एंड में बताएंगे एक एकदम यूनिक ट्रिक, और यूनिक ट्रिक ये है कि यूज राइट फायर बटन फॉर हेडशॉट।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाके जो AWM स्नाइपिंग है उसको हम करेंगे होल्ड फायर टू स्कोप। तो वो करने के बाद आपको क्या होगा कि आप जब आपका राइट फायर बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ जो है स्कोप ऑन हो जाएगा और उससे आप आसानी से जो है स्कोप इधर उधर हिला सकते हो। और सबसे अच्छा होगा कि आपका जो एम पोजीशन है वो बहुत जल्द आप एनिमी के पास एकदम ले जा सकते हो। तो इन गेम प्ले में हम दिखाएंगे कि कैसे हम ये इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम जो राइट फायर बटन है क्लिक कर चुके हैं और ये एकदम एनिमी के पास हमारा एम पोजीशन है और इसके साथ आपको क्या होगा कि एकदम परफेक्ट आप हेडशॉट लगाने की बहुत एकदम बेटर आइडिया है। तो एंड में और एक बात है कि हमारा जो सेकेंड चैनल है लेजेंड स्ट्रीमर्स और उसी चैनल में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट कर भी चुके हैं, दो लाइव हम कर चुके हैं और उस चैनल में हम अब से लाइव ही करेंगे। तो बहुत जल्द और एक लाइव इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो जो भी हमारे YouTube फैमिली मेंबर हो। तो अगर ये वीडियो भी आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सायोनारा।